तो आज मैं वो सारे ऑप्शंस आप लोगों को बता दूंगा जिनको परसू करके आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में आ सकते हो तो वेलकम टू तो अनदर एम आर गार्डलैंड टू तो यूरोप सेशन आज का टॉपिक हमारे लिए इतना रिक्वेस्टेड टॉपिक है <laughs> क्योंकि इसका ना बहुत से लोगों ने सवाल किया कि यार वो कहते हैं मुनीप भाई आप स्टडीज़ की बात करते हैं मुनीप भाई आप जी स्किल्ड लोगों की बात करते हैं कि वो जर्मनी आ सकते हैं लेकिन हमें कोई डिफरेंट कैटेगरीज भी बताएं कि स्पेशली अगर हम पढ़ने के लिए नहीं आना चाह रहे या कोई स्किल्ड इतने वर्कर नहीं हैं तब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं तो आज मैं वो सारे ऑप्शन आप लोगों को बता दूँगा जिनको परसू करके आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में आ सकते हो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एक स्टेप इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि सारे स्टेप्स की बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी सबसे पहले वीज़ा की जो कैटेगरी है जिससे आप जर्मनी बड़ा ईज़िली आ सकते हो ओबियसली वो स्टडी वीज़ा है स्टडी वीज़ा की हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स हैं आपको आइल्स देना होता है आ, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स में अप्लाई करके या बैचलर्स के लिए यहाँ पर आते हो या मास्टर्स के लिए यहाँ पर आते हो ठीक है इसके मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल डी, वीडियो मौजूद हैं कि किस तरह बैचलर्स अप्लाई करोगे किस तरह मास्टर्स के अप्लाई करोगे आ, तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दो वीडियोज़ अगेन अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए आना चाह रहे हो सेकेंड टाइप ऑफ वीज़ा कैटेगरी जो कि स्किल्ड वर्कर का वीज़ा है जो कि जॉब सर्च वीज़ा जिन्हें कहते हैं इनमें वो लोग क्वालीफाई होते हैं जो कि अपने प्रोफेशनली और टेक्निकली लिहाज से काफ़ी अपने स्किल्स में महारत रखते हैं और टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉग होते हैं अब उनका एक्सपीरियंस होता है ओबियसली वो पढ़ाई अपनी फिनिश कर चुके होते हैं तीन साल चार साल दो साल इन इतने साल लगा कर वो अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज चीज़ें कर चुके होते हैं आ, तो इन लोगों के लिए तो जॉब सर्च वीज़ा जो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी है वो ऑफ़र करती है उस वीज़े में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बड़ी इजी रिक्वायरमेंट्स हैं मतलब जिस तरह आपको बैंक डिटेल आपको शो करवानी होती है ये वीज़ा आपको सिक्स मंथ्स के लिए मिलता है तो सिक्स मंथ्स के एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं अराउंड फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड यूरोज़ होते हैं एग्जैक्ट अमाउंट अगेन मुझे अभी याद नहीं है बट इसके आस ही आपका होता है इसके अलावा जब आप अप्लाई करते हो तो आपके पासपोर्ट होना चाहिए स्पेसिफिकली जॉब एक्सपीरियंस आपका बड़ा मैटर करेगा उसके एक्सपीरियंस लेटर बड़ा मैटर करेंगे uh, और अगेन एक और चीज़ बड़ा मैटर करती है वो ये होती है कि यहाँ पर आपके किस तरह से रबते हैं कंपनीज के साथ सपोज आपने अपना काम दिखाया अपना पोर्टफोलियो कंपनी को दिखाया वो कंपनी कहती है जी ठीक है हमें आपका काम पसंद आ रहा है इंटरेस्ट आप में थोड़ा शो कर रही है बट वो थोड़ी सी हेजिटेंट है कि आपको वीज़ा प्रोसेस करे और ये वो सारी चीज़ें करे लेकिन वो कहती है जी चलें ठीक है आप आ जाएँ यहाँ आकर हम पॉसिबिलिटीज़ चेक कर लेते हैं या वैसे ही वो कहती है कि हमें आपका काम थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वी कैन सी के Uh, क्या हो सकता है अगेन उस आपके काम की कितनी रिक्वायरमेंट है जर्मनी में वो बड़ा मैटर करेगा कि आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता है कि नहीं अगेन अगर आपको हमारी uh, टीम के थ्रू अप्लाई करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आपको एक लेटर दिलवा दिया जाए ओबियसली यहाँ जर्मन कंपनीज़ के साथ हमारे रबते होते हैं और वो हमें बंदे बताते हैं कि किस फील्ड के चाहिए किस पर के चाहिए क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए तो हम एक लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं आपका उन कंपनीज़ के साथ और उस प्रोसेस में जो कि आपकी हेल्प आउट करेगा जॉब सर्च के दौरान और अगेन जब यहाँ पर आते हो तो ओबियसली हमारी टीम विल हेल्प यू आउट टू लुक फॉर अ फुल टाइम जॉब यहाँ पर आ, उसमें प्रोफाइलिंग आपकी होती है जर्मन सी वी प्रिपेयर होती हैं इंटरव्यूज़ के लिए आपकी प्रिपरेशन होती हैं वो सारी चीज़ें तो अगेन अगर आपको ये हेल्प आउट चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो आप मुझे ई मेल लिख सकते हो आ, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू guys एज soon सोन एज पॉसिबल काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रेशो भी देखा जा रहा है लेकिन जो भी लोग जॉब सर्च के लिए अप्लाई करें वो ये मेक श्योर sure कर लें कि उनकी फील्ड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जिस तरह जी कुछ लोग हमें अप्रोच करते हैं और कहते हैं हमारा अकाउंटिंग के सब्जेक्ट हैं बट जर्मन लैंग्वेज स्किल्स नहीं है हम फाइनेंस में काम करना चाह रहे हैं बैंकिंग के डिपार्टमेंट में बट uh, अगेन हमारी उस तरह से जर्मन लैंग्वेज स्किल्स नहीं हैं तो दैन वही रिकमेंड दैम कि यार आप ये ये चीज़ कर लें उसके बाद आपका यहाँ पे जॉब लगने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं कंपैरेटिवली, जो अभी आपकी प्रोफाइल है तो अगेन आपको भी थोड़ा देखना पड़ेगा जिस भी फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड सर्च करनी पड़ेगी जॉब सैनैरियोज़ थोड़े देखने पड़ेंगे कि क्या सीन है फिर आप अप्लाई करें ताकि यहाँ आ भी आपको मायूसी ना हो आप आराम से आकर जॉब सर्च पे ही आपका ध्यान हो और आपको ये टेंशन ना हो कि यार यहाँ तो डिमांड ही नहीं है जिस स्किल को मैं लेकर आया हूँ वो तो यहाँ पर सेल आउट होता ही नहीं है तो ठीक है इस बात को आपको ने मेक श्योर sure करना है कि डू सर्च आउट कौन सी चीज़ आपके जो स्किल है कौन सा स्किल आप यहाँ पर किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो और उसमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जो थर्ड कैटेगरी है वो आती है आपका वर्क वीज़ा में अब जॉब सर्च वीज़ा और वर्क वीज़ा में क्या डिफरेंस है के वर्क वीज़ा में जब जैसे आप पाकिस्तान होते हो या इंडिया होते हो कहीं भी होते हो आपको कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन आ जाती है एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि इस बंदे को हमने हायर कर लिया है ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट आपने वैसी में लेके जाना होता है उन्हें दिखाना होता है कि वी आई वी आर ऑलरेडी हायर्ड कि मुझे ऑलरेडी कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रेक्ट आ गया है और उसकी बेस पर मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ जो कि वर्क वीज़ा कहते हैं और इसमें अच्छी बात यह है कि कंपनीज आपको हेल्प आउट करती हैं आपके वीज़ा प्रोसेस में सपोर्ट करती हैं आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन लेने में सपोर्ट करती हैं तो वो सारी चीज़ें जो बड़ा हेक्टिक होती हैं जब आप जॉब सर्च वीज़ा लेकर यहाँ पर आते हो वो ऑलरेडी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ वो टेक केयर करती हैं उसकी क्योंकि जब भी आप किसी नए मुल्क में जाते हो तो ओबियसली आपको बड़ी मुश्किल आएगी ना सिस्टम का पता है ना घर ढूंढने का पता है कैसे ढूंढने ना ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा इतना पता होता है तो अगेन ये काफ़ी हेल्प आउट हो जाती है इसीलिए काफ़ी लोग जो जॉब सर्च वीज़ा लेकर आते हैं वो हमारे थ्रू इस वजह से अप्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उन्हें एक चाहिए होता है कि यार कहाँ रहना है क्या करना है वो सारी चीज़ें सिस्टम किस तरह का है तो ओबियसली इट मैटर्स अलॉट है uh, लेकिन अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं वहीं से योर वेरी लकी कि आपको वहाँ बैठे बैठे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो गया अपार्ट फ्राम लक ऑबियसली आपके स्किल्स इतने थे कि आपकी कंपनी ने इतना बड़ा रिस्क ले के वहीं बैठे आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और uh, ये uh, उसके बाद आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है दैन अगेन ये पी एच डी को यहाँ पर वर्क वीज़ा की कैटेगरी में हम डालेंगे क्योंकि पी एच डी यहाँ पर पेड होती हैं मोस्टली पेड होती हैं कुछ फिफ्टी परसेंट कुछ सिक्सटी परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट इवन सम पी एच डीज आर हंड्रेड परसेंट फुली पेड बाई हंड्रेड परसेंट आई मीन कि आपको अराउंड ट्वेंटी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यूरोज आपके बैंक में आ रहा होता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेज अगर आप 67 सेवन परसेंट पर जाते हो तो अराउंड 1800 हंड्रेड आपके आफ्टर डिडक्शन टैक्सेस आ रहा होता है बट अगेन आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो वर्क वीज़ा का कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पर आप पी की जब आपको कन्फर्मेशन आती है तो मोस्टली जगह पर आप जब पाकिस्तान में या इंडिया में अप्लाई करोगे तो वर्क वीज़ा के लिए ही अप्लाई करोगे ये तीन कैटेगरीज़ तो मेरे ख्याल में वो कैटेगरीज़ हैं जो ऑलरेडी काफ़ी नॉन हैं काफ़ी लोग आते भी हैं अब मैं कुछ उन हिडन कैटेगरीज़ की बात करूंगा जो अक्सर लोग को कम पता होता है एक कैटेगरी है जो डिप्लोमा की हाउस बिल्डिंग कोर्स की इस कैटेगरी में अच्छी बात यह है कि चाहे आपने मैट्रिक किया है चाहे एफ एस सी किया है चाहे आपने बैचलर्स किया हुआ है और आप जर्मनी में आना चाह रहे हो एक बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है अगर आपकी लैंग्वेज आपको आती है तो ठीक है बी टू ज़्यादातर हाउस बिल्डिंग की हाउस बिल्डिंग मतलब डिप्लोमा होता है यहाँ जर्मन लैंग्वेज में तो ज़्यादातर हाउस बिल्डिंग की यहाँ पर बी टू की रिक्वायरमेंट है Uh, तो अगर आप पाकिस्तान में इंडिया में कहीं से भी आ रहे हो आप बी टू कर लेते हो और डायरेक्ट हाउस बिल्डिंग्स के लिए अप्लाई करते हो तो बड़ी एक पॉसिबिलिटी uh, होती है कि आपको ऑफर हो जाए स्पेशली अगर आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस होता है अपने कंट्री में उस काम में फॉर इंस्टेंस एलेक्ट्रीशंस की यहाँ पर बड़ी डिमांड है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बड़ी डिमांड है अगर आप वहाँ पर काम कर रहे थे इस फील्ड में कुछ डिप्लोमा चाहे आपने किया हो चाहे मैट्रिक किया हो एफ एल सी किया हो कुछ भी किया हो और आपके पास एक्सपीरियंस हो Uh, कि जी आप कंस्ट्रक्शन में आपको एक्सपीरियंस है या फिर आप कोई वन uh, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिशन प्लम्बरिंग में एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में अगर आप एक्सपीरियंस हो uh, तब आप uh, अपने डॉक्यूमेंट्स की बेस पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मैट्रिक और एफएससी या बैचलर्स की बेस पर और विद बी टू जर्मन लैंग्वेज स्किल्स की बेस पर आप डिप्लोमा के लिए डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और ये वाला वीज़ा की कैटेगरी स्टूडेंट वीज़ा में आएगी लेकिन ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वीज़ा हाउस बिल्डिंग है आ, तो इसके लिए भी आपके लिए पॉसिबिलिटी होती है जब आपको एक यूनिवर्सिटी या कोई भी हॉकशुलस कहते हैं जो डिफरेंट हाउस बिल्डिंग्स करवाते हैं उनकी तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगी तब उसकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हो और मैं ओबियसली मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो डायरेक्टली बी टू कर, कर यहाँ पर आए हैं हाउस के लिए तो दिस इज़ नॉट समथिंग कि जी बड़ी नई है लेकिन ये वो चीज़ है जो बहुत से लोग नहीं करते इसी वजह से नहीं करते कि बी टू वो कहते हैं यार इतनी ज़्यादा लैंग्वेज हम सीख नहीं सकते या नहीं सीखते बट अगेन मैं अगर मैं कहूँ कि लॉन्ग टर्म में आना चाह रहे हो तो यहाँ आकर आपको एनि किस लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी जितना जल्दी सीख लोगे उतना बेहतर है और हाउस बिल्डिंग के बाद अगर आपको हाउस बिल्डिंग मिल भी जाती है आप हाउस बिल्डिंग में भी आपको पे हो रहा होता है अराउंड थाउजेंड यूरोस का और हाउस बिल्डिंग जब कर चुके होते हो तब भी आपको टू थाउजेंड सैलरी मिनिमम पे हो रही होती है तो आप जर्मन इस माइंड सेट से सीखो कि यार मैं जर्मन पढ़ने के लिए नहीं सीख रहा सॉर्ट ऑफ मैं जॉब के लिए सीख रहा हूँ और बड़े हाईली पेड जॉब के लिए सीख रहा हूँ तब आई थिंक कि वो मोटिवेशन आ जाएगी कि आप बी टू बैठे अपने मुल्कों में कर सकते हो और ये नहीं है कि कोई नहीं करता बहुत से लोग हैं अगेन जिससे मैं बात की अपने दोस्त की उसने किया और वो यहाँ आया और बड़ा खुश है यहाँ पर आकर आराम से काम शाम भी कर रहा है पैसे भी आ रहे हैं पढ़ भी रहा है तो आई थिंक एक बहुत आइडियल के सनैरियो था और आई थिंक बहुत से लोगों के लिए ये बड़ा एक आइडियल के सनैरियो हो सकता है ठीक है अब हम जो नेक्स्ट कैटेगरी है उस पर बात करेंगे जर्मन लैंग्वेज सीखने की कैटेगरी पहले अब कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है और वो विश करता है कि यार आ, मैं एक आ, मुल्क में जाकर उसकी ज़ुबान सीखना चाह रहा हूँ तो हर मुल्क ने ये अपॉरचुनिटी ओपन की होती है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ा सा इस चीज़ को कम्प्लेक्स कर दिया गया है वो इस वजह से किया गया है क्योंकि यहाँ पर लोग पहले सिंपली लैंग्वेज वीज़ा अप्लाई करते थे लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेते थे आ जाते थे एंड देन लैंग्वेज पढ़ने के बजाय वो इधर उधर के कामों में निकल जाते थे तो इस वजह से अब एम ने रेस्ट्रिक्शंस इस पर लगा दिए काफ़ी वो ये लगाइए कि जी उन्हें पता हो कि लैंग्वेज के बाद बच्चे का आगे का प्लान क्या है सपोज उसने बैचलर्स करना है तो बैचलर्स की कुछ हमें कंडीशनल एडमिशन लेटर दिखाए अगर स्टूडेंट कॉलेज पढ़ना है तो उसका कंडीशनल एडमिशन दिखाए लेटर दिखाए अगर क्या कहते हैं मास्टर्स करना है जर्मन में मास्टर करना है तो उसका कंडीशनल एडमिशन लेटर दिखाए हमें बताए कि वो लैंग्वेज पढ़ने जा रहा है तो क्यों जा रहा है आई डोट नो इंडिया में क्या सीन है अभी इतना टफ किया गया है कि नहीं किया गया बट आई थिंक इंडिया में भी अब काफ़ी रिस्ट्रिक्शन चीज पर लगा दी गई हैं और ये इसी वजह से लगाई हैं क्योंकि जो पुराने लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने कुछ गलतियाँ की जिसकी सज़ा अनफॉर्चुनेटली अब उन लोगों को कुछ जनवन लोग जो लैंग्वेज पढ़ना आना चाहते थे थोड़ी सी बुकत नहीं पढ़ेगी थोड़ी सी भी नहीं काफ़ी काफ़ी हो जाती है बट अगेन देर आर स्टिल वे कि आप अपना टेंशन शो करो कि मैं जर्मन लैंग्वेज पढ़ूँगा पढ़ के यहाँ पर ये ये करूँगा और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे कुछ प्रूफ होंगे जो आपको प्रोवाइड करने होंगे अगेन अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है प्रोसेस तो आप यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन इंस्टाग्राम में राइट मेन ई मेल जहाँ पर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी अच्छा जी एक और कैटेगरी जो कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था जब मैं रिसर्च कर रहा था वीडियो बनाने के लिए उस कैटेगरी को का नाम है ए यू पेयर ए यू पी ए आई आर अच्छा ये कैटेगरी बेसिकली ज़्यादा मेरे ख्याल खातन इंटरेस्टेड होंगी इसमें क्योंकि इस कैटेगरी में आपको एज अ केयर टेकर बुलाया जाता है अपने बच्चों के लिए ठीक है अपने यहाँ पे गोरे अब ओबियसली जॉब्स भी करनी होते हैं उन्होंने सारा कुछ तो उन्हें होता है कि कोई ना कोई हो जो थोड़ा ना हमारे बच्चों के साथ रहे देखभाल करे वही जिस तरह एक माँ का जो काम होता है आ, उसकी एक कैटेगरी है जैसे यू पेयर के कैसे कहा जाता है पार या पेयर तो उस कैटेगरी में आपकी बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आ, ए, ल, ए वन लैंग्वेज बेसिक मिनिमम ए वन लैंग्वेज हो आपके पास जर्मन लैंग्वेज फिर आपके पास पासपोर्ट हो आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट हो एक यहाँ पे किसी भी पेरेंट्स का कि हाँ जी हम ये कॉन्ट्रैक्ट इस बंदे को दे रहे हैं कि इन्होंने आकर हमारे बच्चे को देखभाल करनी है तो फिर आप आ, अपना उस वीज़ा की कैटेगरी के, के लिए क्वालीफाई कर जाते हो इसमें थोड़ा ये होता है कि आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे देखे, आप देखिए डब्ल्यू 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 डॉट एू पी डॉट कॉम मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा डाल दूँ अगर नहीं डाली तो मुझे कमेंट में याद करा दीजिएगा तो इन मैं डाल दूँगा तो उस वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं कि अच्छा जी आ, क्या क्या इसके लिए और इन डिटेल रिक्वायरमेंट लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बड़ी ईजी है इतनी टफ़ नहीं है सही आ, और जर्मन लैंग्वेज भी इसमें मैं ख़ुद बड़ा हैरान था कि ए वन मांगी हुई है हालांकि कम्युनिकेट कैसे करेंगे क्या करेंगे लेकिन फिर मेरा ख्याल है वो यहाँ बुला कर फिर आप साथ साथ बच्चों की भी टेक केयर करते हो लैंग्वेज भी सीखते हो तो ये सारी चीज़ें अच्छा जी एक और कैटेगरी जिसकी बात मेरे चैनल पर थोड़ी सी कम हुई है आ, बट ये कैटेगरी भी काफ़ी अच्छी कैटेगरी है स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिज़नेस मैन है और अपना बिजनेस एक दूसरे मुल्क में फैलाना भी चाह रहे हैं और आकर यहाँ रहना भी चाह रहे हैं और डेवलप भी करना चाह रहे हैं Uh, इस कैटेगरी में बेसिकली क्या है कि आपने बिजनेस आइडिया रिप्रेजेंट करना होता है कुछ फंडिंग्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करनी होती हैं इस पर डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे होगी कि बिज़नेस खोलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं uh, बट अगेन थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वाइज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है बट इसमें अगर आपके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ फंडिंग मौजूद है और उस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट यहाँ जर्मनी में है दैन आई थिंक के बड़ा आपके लिए ईजी हो जाता है वो वाला वीज़ा अप्लाई करना अगर आप सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हो अपना बिज़नेस जो भी बिज़नेस मॉडल है अपना पोर्टफोलियो वगैरह सही तरह से प्रूव कर देते हो कि जी आप उस एम्बेसी को जहाँ पर आपने बिजनेस वीज़ा अप्लाई किया है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बिजनेस वीज़ा इसकी अब स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट थोड़े से लंबा हो जाएगा वीडियो के डिस्कशन बट अगेन वी वर्क ऑन बिजनस वीज़ाज एज़ वेल अगर किसी को हेल्प आउट की ज़रूरत हो तो आप अगेन हमें ई मेल या फिर इंस्टाग्राम पे डी एम लिख सकते हैं uh, अब उसमें इन्हें क्या फ़ायदा है जर्मन गवर्नमेंट को क्यों वीज़ा बिजनेस वीज़ा की कैटेगरी है क्योंकि ओबियसली जब आप एक बिज़नेस यहाँ पर आके जनरेट करोगे तो उसका जो रेवेन्यू होगा उनसे मुल्क की इकानमी बढ़ेगी और किस मुल्क को नहीं पसंद कि उनके मुल्क में पैसा आए आ, बट अगेन आपको अपना आइडिया वो प्रूव करना पड़ेगा कि जी मेरे पास ये आइडिया और ये आइडिया वर्क करेगा और दैन उन्हें उस आइडिया पे भी यकीन दिलाना होगा कि कैसे करेगा तो थोड़ा सा आ, ये है बट अगेन बहुत से लोग करते हैं बिजनेस वीज़ा के भी काम और बिजनेस से रिलेटेड कैटेगरी में भी काफ़ी वीज़ाज़ के लिए एप्लीकेशन आती हैं अगेन अगर बिज़नेस की बात हो रही है तो हम फ्री लॉन्सिंग वीज़ा को कैसे भूल सकते हैं नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास फ्री लॉन्स वीज़ा की है आ, फ्री लॉन्स वीज़ा में बेसिकली आप वही काम जो आप वर्क पे कर रहे होते हो फाइवर पे कर रहे होते हो आप स्किल्स होते हैं आपके पास उन्हें आप सेल कर रहे होते हो बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं यहाँ पर मिला हूँ जो फ्री लॉन्स वीज़ा की बेस पर यहाँ पर रह रहे हैं आ, उसकी रिक्वायरमेंट बड़ी ईजी सी रिक्वायरमेंट है उनकी आपने अपने स्किल्स दिखाने आपने दो चार कंपनीज के साथ अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो उनके लेटर दिखाने आ, अपना स्किल को किस तरह से आप यहाँ पर सेल आउट करोगे या स्किल किस तरह से आपको जॉब दिलवा सकता है या किस तरह से आपको फ़ायदा कर सकते हैं फ्री लॉन्स काम कर रहे हो जॉब नहीं करना है जब फ्री लॉन्स भी करना है तो कितनी अर्निंग वगैरह करवा सकता है आपका वो स्किल सपोज़ वीडियो एडिटर हो वीडियो एडिटिंग स्किल्स काम का है एनिमेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग इस तरह के स्किल्स का आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा फिर यहाँ पे कंपनी से अगेन आपको रबते में रहना होगा एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर फ्री लांस वीज़ा इज वेल और ये वीज़ा नॉर्मली आपको तीन साल का मिलता है यहाँ आने के बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फिलफिल करनी होती हैं आपके रहने की आपकी हेल्थ इंशोरेंस की और इस तरह की दो चार और चीज़ें हैं बट अगेन ये एक बड़ा ही कन्वीनियंट वे है जो कि काफ़ी लोग यहाँ पे जर्मनी में सेटल डाउन होने के लिए यूटिलाइज करते हैं जो नाइन्थ हमारे पास कैटेगरी है वो है हमारे पास विज़िट वीज़ा की अब अगर आपका कोई दोस्त यहाँ पर रह रहे Uh, कोई फैमिली रिश्तेदार रह रहे हैं कोई कज़न कोई रिलेटिव्स वगैरह रह रहे हैं दैन यू कैन अप्लाई फॉर विज़िट वीज़ा जहाँ पर आपको यहाँ से कोई एक लेटर जाएगा कि जी किस परपज़ के लिए हम बलाना चाह रहे हैं वो किस परपज़ के लिए विज़िट करना चाह रहे हैं जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं क्या उनकी गारंटी दे रहे हैं कि जी विजिट वीज़ा पे आएंगे और फिर चले जाएंगे तो ये वाली कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ा सा ऑबियसली डॉक्यूमेंटेशन आपको uh, सही तरह तैयार करनी पड़ेगी उस वीज़ा कैटेगरी के, के लिए बट uh, काफ़ी लोग वीज़ा लेकर विजिट वीज़ा की बेस पर यहाँ पर आते हैं आ, विज़िट वीज़ा की मैं कोशिश करूँगा कि तो जो जो स्पेसिफ़िक चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि आपको पता लगे जब आप अप्लाई कर रहे हो विज़िट वीज़ा के लिए क्या क्या चीज़ें जो आपके पास होना ज़रूरी हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ वीडियोज़ आपके टॉपिक जो काम के वो निकल जाएँ तो मेक श्योर sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि रेलिवेंट इन्फार्मेशन आपको दे सकता है आपके केस के मुताबिक वो मिस ना हो खैर लास्ट वीज़ा की अगर हम बात करें जो लास्ट कैटेगरीज जो मैंने सर्च आउट किया था वो फैमिली रीयून वीज़ा है उसमें ये होता है कि अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं और आपके बच्चे पेर उनकी वाइफ वहाँ पर हैं तो अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर उनके बच्चे वहाँ पर हैं और अठारह साल से छोटे हैं तब अगेन वो अपने बच्चों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं अगेन उसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन होती हैं सारी चीज़ें हैं बट uh, uh, उन सारी चीज़ें अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे जर्मन वीक है सब चीज़ें थोड़ा मसला कर रही हैं तो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टेक्ट मी उसमें हम कोशिश करेंगे जितनी आपकी हेल्प आउट हो सकती है करें तो ये दस कैटेगरीज थी uh, जिसके थ्रू आप जर्मनी आ सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो क्योंकि आई थिंक कि ये वो वीडियो है जिस जिसपे मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च और इतनी ज़्यादा एफर्ट डाली थी <laughs> कि बस ना पूछो क्योंकि मैं तकरीबा एक दिन मुझे लगा है ये हर हर जगह से ये चीज़ ढूंढने का कि अच्छा जी ये कैटेगरी है ये कैटेगरी ये कैटेगरी है बट अगेन इसकी रिक्वायर इसकी डिमांड इस वीडियो की काफ़ी देर से और काफ़ी अर्से से मुझे आ रही थी कि वो सारे हमें मेथड बता दें जिसके थ्रू हमारी पॉसिबिलिटी हो यहाँ पर आकर सेटल डाउन होने की अच्छा जो विज़िट वीज़ा की मैंने बात की वो शॉर्ट टर्म वीज़ा होगा वो तीन महीने का होगा और वो लॉन्ग टर्म स्टे वीज़ा नहीं होगा वो शेंजिन वीज़ा आपको देते हैं डिफरेंट कंट्री आप विज़िट कर सकते हो यूरोप के बट अगेन वो लॉन्ग टर्म वीज़ा की गारंटी नहीं है तीन महीने बाद आप यहाँ पे तीन महीने तो रह सकते हो बट उसके बाद आपको वापस जाना होता है अगेन आपने आना है तो आपको विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है आ, ओके जी मेरा ख्याल है ये बात थी जो थोड़ा सा इधर उधर होगी थी मेरे माइंड से बट गुड थिंग याद आ गई अगर कोई और कैटेगरी है जो मैंने मिस कर दी है तो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप कमेंट में टाइप करें ताकि थोड़ा मेरी इन्फॉर्मेशन में भी अजाफा और दूसरा थोड़ा आई थिंक जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें भी पता लग जाए अगर वो कैटेगरी कोई ऐसी है एग्जिस्ट करती है जो मैंने वीडियो में मैंशन नहीं की ठीक ओके जी थैंक यू थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब द चैनल अगली वीडियोज़ में आपको मिलते रहेंगे तब तक के लिए अल्लाफ ठंड <laughs> भी बहुत लग रही है आपको <laughs> ओके